हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के फैंटेसी प्रीव्यू में। मुकाबला है गुजरात बनाम हैदराबाद एंड ये खेला जाएगा द नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद। विन प्रेडिक्शन है गुजरात टाइटंस की तरफ एंड मिनी जेएल्स पे रखेंगे फोकस जब तक देयर सम नॉर्मलसी इन द लीग। अगर आप स्मॉल लीग्स खेल रहे हो तो माई मास्ट 11 पे खेल सकते हैं क्योंकि वहां पे एक बड़ा सा गिव अवे एंड साथ साथ में इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड एंड है सीरीज लीडर बोर्ड एंड चल रहे हैं बहुत सारे डिपॉजिट ऑफर्स, सो यू कैन साइन अप राइट अवे। एंड एक नई इंट्रोडक्शन है मेरी तरफ से इस स्पेसिफिक प्रिव्यू में, वो है एक टैक्टिकल कॉर्नर जहां हम डिस्कस करेंगे किस फेज में कौन से टाइप के प्लेयर्स बेस्ट कर सकते हैं एंड कौन से टीम्स में कौन से स्पेसिफिक फेज में प्लेयर्स वीक है। तो चलते हैं पहले सीधा उस नए इंट्रोडक्शन की तरफ द टैक्टिकल कॉर्नर एंड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उन प्लेयर्स को। तो पहले बात करते हैं बैटिंग साइड ऑफ थिंग्स की। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं जीटी और एसआरएच। अब यहाँ पे जीटी की एक वीकनेस है वो है मिडिल ऑर्डर, वाइल एसआरएच की स्ट्रेंथ वही है उनकी मिडिल ऑर्डर, जहाँ पे मार्करम एंड क्लासन क्लासन डोमिनेट कर सकते हैं। अब अगर कोई सेक्शन में रेड है उसका क्या मतलब है कि वो उस टीम की वीकनेस है, तो समझिए अगर जीटी की वीकनेस उनका मिडिल ऑर्डर है एंड अगर एस आर एच की स्ट्रेंथ उनकी मिडल ओवर्स की बोलेंगे उसका ये मतलब है कि उस फेज में पॉसिबल है कि दूसरी टीम उस टीम को डोमिनेट कर जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एस आर एच के लिए येलो मार्कर इन द मिडल ओवर्स फॉर द बोलिंग, वाइल इन द मिडल ओवर्स जीटी के लिए बैटिंग में एक रेड है। इसका ये मतलब है कि एस आर एच के जो बॉलर उस सेक्शन में डालेंगे मे बी वो उनको डोमिनेट कर पाए। तो ये आपको कैसे हेल्प करेगा जब अपने जीएल रोटेशंस कर रहे हो, एग्जाम्पल आपने शाहबाज अहमद को ले लिया क्योंकि आपको पता है कि जीटी की मिडिल ऑर्डर वीक है एंड मिडिल ओवर्स में डालेंगे शाहबाज अहमद, तो ऐसे आप इस टेबल को रीड कर सकते हैं। एंड मेरे जो की टेक अवेज है वो ये है कि पहली चीज तो दोनों टीम्स का जो ओपनिंग ऑर्डर है एक बहुत स्ट्रांग बैटर है, एक थोड़ा ऐसा बैटर है जो इन एंड आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, तो जो लो सिलेक्ट ओपनिंग बोलर्स है वो आपके लिए वहां काम कर सकते हैं। दूसरी चीज की एस आर एच का जो मिडिल ऑर्डर है वाइल वो स्ट्रांग है, इनकेस मार्करम क्लासन में से कोई एक जल्दी आउट हो गया तो उनका जो लोअर ऑर्डर है थोड़ा सा वीक है, तो वो अगर जल्दी एक्सपोज हो गया तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फॉर जीटी। वाइल जीटी की डेथ बैटिंग बहुत अच्छी है, मिलर टेवर्टिया राशिद भी थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, वाइल एसआरएच की डेथ बोलिंग एक प्रॉब्लम है। तो इन टाइप ऑफ सिनेरियोस के हिसाब से अगर आप ले रहे हैं मिलर टेवर्टिया राशिद तो वहां पे आप एसआरएच बोलर्स पे रिस्क ले सकते हैं, यही दोनों टेबल्स के साथ आप अपनी ग्रैंड लीग में टीम्स रोटेट कर सकते हो। तो यही है मेन पर्पस या टैक्टिकल कॉर्नर का। एंड उसके अलावा आप स्मॉल लीग में रिस्क लेना पसंद करते हो तो भी ये आपके बिल्कुल काम आएगा। रिमेंबर टू ज्वाइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिक प्रो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम, फाइनल टीम्स अपडेट सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएंगी, सो डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन देयर एंड लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर करिए एंड कमेंट जरूर करिए क्योंकि ना सिर्फ ये टीम देने के लिए एक माध्यम है बट साथ साथ में जो इनसाइट्स है जो डेटा है वो आप तक पहुंचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी। वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो क्लियर वेदर फॉर दिस गेम, नो कंसर्न्स ऑन दैट फ्रंट। वाइल द पिच रिपोर्ट हमने देखा कि फर्स्ट इनिंग्स में लास्ट गेम में यहाँ पे बैटिंग थोड़ी सी मुश्किल थी, बॉल वर नॉट कमिंग ऑन टू द बैट, वाइल सेकेंड इनिंग्स में जब ड्यू आई तो स्ट्रोक मेकिंग गॉट स्लाइटली इजियर इवन दो चेजिंग टीम हार गई, काफी क्लोज गेम वहां पे हमें देखने को मिला। एंड मूवमेंट देखते हैं अब तक तो नहीं इतना कुछ खास मूवमेंट नहीं था, जस्ट मिनिमल अमाउंट ऑफ मूवमेंट, सो लेट्स सी हाउ द गेम गोज। नटराजन की फिटनेस अब तक एक कंसर्न है तो नॉट श्योर अब तक अवेलेबल रहेंगे या नहीं। अब चलते हैं लाइनअप्स की तरफ, तो अब यहाँ पे नटराजन के पास में जो स्टार मार्कर है इट मीन्स की फिटनेस सब्जेक्ट टू फिटनेस उनकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे होगी। उसके अलावा दोनों टीम्स के लिए मैं सेम लाइनअप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज दोनों अच्छी परफॉर्मेंसेस से आ रहे हैं। जीटी ऑफकोर्स चेन्नई के सामने हार के आई बट इन कंडीशन में यही टीम ने अच्छा किया तो मैं खास कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड भी लाइव है ऑन माई मार्च 11, इसमें क्या होता है आप जैसे ज्यादा लीग ज्वाइन करेंगे आपकी रैंक वहां पे बढ़ती जाएगी, सो ये गुड चांस फॉर यू, डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। अब चलते हैं गुजरात टाइटन्स की तरफ, यहाँ पे आपके पास ओपनिंग बैटर शुभमन गिल, इनके नंबर्स काफी ठीक ठाक वर्सेस एसआरएच 40 का एवरेज एंड एट अहमदाबाद 63 का एवरेज, हमें जैसे पता है काफी अच्छा किया है इन्होंने यहाँ पे। बट एक जो बॉलिंग टाइप इन्हें पहले भी परेशान कर चुकी है वो है जो बॉलर्स बॉल अंदर लाते हैं, अब कौन है वो बॉलर ये तो आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता तो मैचअप सेक्शन में भी इस चीज को मैं आगे डिस्कस करूंगा एज वही बॉलर उन्हें कुछ बार आउट कर चुके हैं। रिद्धिमान साहा वर्सेस एसआरएच 25 का एवरेज एंड एट अहमदाबाद भी सिर्फ 20 का एवरेज, तो नंबर्स कुछ खास नहीं एंड साथ साथ में याद रखिए कि उसी फेज में वहां पे आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट बॉलर्स एंड प्लस कीपिंग सेक्शन में आपके पास एक बहुत दूसरे अच्छी कीपिंग कीपर भी हैं, सो हेंस थोड़े से मेरे लिए 50-50 पिक इस गेम में बन जाते हैं। साई सुदर्शन 29 का एवरेज वर्सेज एसआरएच एंड एट अहमदाबाद भी 54 का एवरेज, सो रियली गुड नंबर्स
एंड लेट्स सी व्हाट डज ही प्रोड्यूस इन दिस गेम। बेस टीम में तो डेफिनेटली आप जगह बनेंगी आपके मेरे हिसाब से तो, एंड प्लस ज्यादा रिस्क नहीं लेते एट द स्टार्ट ऑफ इज इनिंग्स, तो अपॉर्चुनिटी वहां पे बन जाती है आपकी टू गेट सम स्टेबल फैंटेसी पॉइंट्स। डेविड मिलर ऑफ कोर्स अ रियली गुड चॉइस, 22 की एवरेज है सिर्फ, बट एट अहमदाबाद अच्छे नंबर्स है, एंड अगर पहले बैटिंग करते हैं फिनिशिंग ऑर्डर में मे बी थोड़ी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले तो वहां पे डेफिनेटली पैक करने लायक मेरे हिसाब से। फिर चलते हैं अजमतुल्ला उमरजाई की तरफ, ये अपने बॉलिंग में मूवमेंट पे रिलाई करते हैं, मे बी डे गेम में इतनी मूवमेंट नहीं यहाँ नहीं मिले। एट अहमदाबाद एक मैच में 17 रन और 2 विकेट, स्पिन अच्छा खेलते हैं तो इनके से टर्न्स अंडर द सन वहां पे इनकी बैटिंग वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। विजय शंकर ठीक ठाक प्लेयर है, बेस टीम में लेना मुश्किल क्योंकि काफी लो आते हैं ये, उनके नंबर्स भी 23 रन वर्सेस एसआरएच इन वन गेम, बॉलिंग खास कुछ कर नहीं रहा। वर्सेस एसआरएच फिर बात करें राहुल टेवटिया की तो 17 का एवरेज आना है अहमदाबाद, 27 का एवरेज, सो अगेन ठीक ठाक नंबर्स, बट जैसे मैंने कहा विद शंकर विद टेवटिया इतना लो आते हैं कि अपॉर्चुनिटी उतनी उन्हें मिलती नहीं, तो ये सिर्फ आपके लिए जीएल रोटेशन प्लेयर्स बनेंगे। राशिद खान ये खेले हैदराबाद के लिए बहुत पहले एंड 3 मैच में सिर्फ 1 विकेट अपनी पुरानी टीम के सामने, एंड एट अहमदाबाद 11 मैचेस में 14 विकेट्स, तो वाइल अहमदाबाद नंबर्स बहुत अच्छे हैं, इनका भी क्लास इन के सामने एक मैचअप है बट उस तरीके का मैचअप नहीं है जो आप इनके फेवर में एक्सपेक्ट करें, तो काफी इंटरेस्टिंग मैचअप है, आगे रुकिए मैचअप सेक्शन में वो भी हम डिस्कस करेंगे। उमेश यादव पेस बॉलर, 18 मैचेस 13 विकेट्स, एंड एट अहमदाबाद 2 मैचेस 2 विकेट्स, कुछ खास फ्लो में लगे नहीं है एंड डे गेम में इतना कुछ मूवमेंट मिलेगा नहीं, हेंस डिफिकल्ट टू बैक। एंड फिर चलते हैं मोहित शर्मा की तरफ, बहुत अच्छे नंबर्स वर्सेस एसआरएच एंड एट अहमदाबाद, सो डेफिनेटली अ प्लेयर टू बैक फर्स्ट बॉलिंग में मेरे लिए, तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कैंडिडेट भी बनेंगे। लास्ट गेम 3 ओवर्स करके आ रहे हैं ये डेथ में, और लास्ट जो 3 ओवर्स की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली 16, 18 एंड 20, तो बहुत अच्छा चांस है कि एक दिन ही आपको 3-4 विकेट उस फेज में निकाल के देंगे। स्पेंसर जॉनसन इनके ओवर्स 15-16 ओवर तक ये खत्म कर रहे हैं, ज्यादा जो मिडिल ओवर्स बोले इन्हें यूज किया जा रहा है, तो लेट्स सी इस गेम में कहाँ फिट इन होते हैं। मिडिल ओवर्स में आएंगे ये माकरम और क्लासिन के सामने, तो टास्क कुछ आसान नहीं होगा, बट हु नोज एक सरप्राइज ये स्प्रिंग अप कर पाए इस मुकाबले में। फिर चल रहा है एक्सचेंज 22 पे लीडर बोर्ड, डोंट मिस आउट ऑन द चांस, कुछ अच्छे प्राइजेस यहाँ पे, एंड आपको ₹100 रियल कैश मिल रहा है साइन अप, तो पहले जाके साइन अप करिए, ऐप पसंद आए तो खेल लिया, नहीं तो नहीं खेल लिया, सिंपल। अब चलते हैं हमारे दूसरी टीम की तरफ, सनराइजर्स हैदराबाद, ट्रेविस हेड। अब वाइल एट अहमदाबाद इन्होंने T20 तो नहीं खेला IPL में, बट आपको पता है लास्ट टाइम जब ये अहमदाबाद में थे तो इन्होंने क्या किया था, एंड ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, ऑफकोर्स आप ले सकते हैं, लास्ट गेम में मैंने ड्रॉप किया एंड टिम डेविड ने भी इन्हें ड्रॉप कर दिया बिलो 10 रन, जब उसके बाद क्या हुआ वो हम नहीं डिस्कस करना चाहेंगे। मयंक अग्रवाल वर्सेज GT, 1 मैच पे 5 रन एंड एट अहमदाबाद 2 मैचेस 130 रन, तो यहाँ पे ठीक ठाक रिकॉर्ड इनका, बट सामने चैलेंज है उमेश यादव का, अप फ्रंट अगर थोड़ी भी हेल्प मिली तो फिर टास्क बनेगा, बट क्योंकि कुछ खास फॉर्म नहीं उमेश का, नजमत भी कुछ रन खा रहे हैं, आप डेफिनेटली इन्हें ट्राई कर सकते हैं। अभिषेक शर्मा अच्छे टच में लगे हैं वर्सेस गुजरात भी, 3 मैचेस में 112 रन, अहमदाबाद 1 मैच में 5 रन, तो ठीक ठाक नंबर इनके, बिल्कुल कुछ टीम्स में ट्राई कर सकते हो। एक जो मेरा कंसर्न है राशिद के सामने आएंगे, चैलेंज नहीं होगा आसान। राहुल त्रिपाठी मे बी ये खेल रहे हैं, नॉट श्योर कि ये राहुल त्रिपाठी को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, नो कंफर्मेशन ऑन दैट स्पेसिफिक स्लॉट, हो सकता है कि समद की जगह नीचे भी खेले, बट फॉर्म इनके साथ नहीं है एंड मैचेस भी खास नहीं, तो मे बी नई जगह मिले वापस इन्हें इन द टीम। एडन माकरम 3 मैचेस 78 रन एंड एट अहमदाबाद 1 मैच में 10 रन, तो कुछ खास नंबर्स नहीं, एंड वर्सेस राशिद भी एक कंसर्न पॉइंट है, सो लेट्स सी कैसे जाता है इनके लिए गेम, बट क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडर्स है मे बी कुछ ऑफ स्पिन के ओवर्स के लिए भी बुलाए जाएंगे, तो आई वोंट बी सरप्राइज कि उस केस में, ऑफ कोर्स आप स्मॉल लीग्स में ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, इनके टॉप 2-3 बैटर्स में से एक है। एंड्रिक क्लासन डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, एंड वर्सेस GT 1 मैच में 64 रन, एट अहमदाबाद ही हुआ था वो नॉक, तो 1 मैच में सेम 64 रन, ऑफ कोर्स आप इन्हें बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकते हो इन योर टीम। फिर चलते हैं शाहबाज अहमद की तरफ, 2 मैचेस 2 विकेट्स एंड 2 रन वर्सेज GT एंड एट अहमदाबाद भी 2 मैचेस 20 विकेट्स एंड 20 रन एंड 1 विकेट, तो ठीक ठाक नंबर्स है। प्रॉब्लम क्या है कि GT में टॉप ऑर्डर में कुछ लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि इतने ओवर्स उन्हें ना मिले, एक आध ओवर खराब गया तो फिर प्रॉब्लम यही हो जाएगी कि ओवर्स कट सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी कि सुंदर इनके स्लॉट में खेले क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स ठीक ठाक है सामने। पैट कमिंस की बात की जाए तो वर्सेज GT खेले नहीं एट अहमदाबाद, 2 मैचेस 5 विकेट्स, इन्होंने भी लास्ट टाइम जब अहमदाबाद में थे तो क्या किया था ये हमें याद है, एंड ये भी हम डिस्कस नहीं करना चाहेंगे।
फिर चलते हैं आगे की तरफ। भुवनेश्वर कुमार अगेन एक ठीक ठाक पिक, 3 मैच में 7 विकेट्स वर्सेस जीटी एनआईटी अहमदाबाद, 1 मैच में 5 विकेट। अगर आपने पहले ये गेम नहीं देखा तो जाके हाइलाइट्स देखिए। डेथ में इन्होंने काफी परेशान किया था लास्ट टाइम इसी टीम को, एंड प्लस इन्होंने शुभमन गिल को भी काफी परेशान किया है। उनका मैच हम आगे मैचअप सेक्शन में डिस्कस करेंगे। टी नटराजन नॉट कंफर्म्ड इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी वर्सेस जीटी, 3 मैच में 3 विकेट्स, एनआईटी अहमदाबाद 1 मैच में 1 विकेट। पहले बोलिंग करते हैं तो टीम में आपका स्लॉट इनके लिए लॉक हो जाएगा, क्योंकि डेथ बॉलर अगर इनके पास कोई एक स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर है तो यही है, तो फर्स्ट बॉलिंग में आप बिल्कुल भी इन पर चांस नहीं ले सकते। मयंक मरकंडे 1 मैच में कोई भी विकेट नहीं, एनआईटी अहमदाबाद भी वही 1 मैच खेला गया था। तो हेंस अगर स्पिन का कोई भी साइन है इन द डे गेम तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, एल्स आप इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। उमरान मलिक ठीक ठाक प्लेयर है, प्रॉब्लम क्या है इनके साथ कि कभी कभार इन्हें पूरे ओवर्स मिलते नहीं, क्योंकि इनकी इकोनॉमी एक बहुत बड़ी कंसर्न पॉइंट है। वर्सेस जीटी 2 मैच में 6 विकेट्स है, तो ग्रैंड लीग में आपके लिए एक ऑप्शन ये बिल्कुल बन जाते हैं। बेस टीम में लेना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इनके ओवर्स इतनी बार कट जाते हैं कि फिर आपकी जो वैल्यू उस प्लेयर से आपको मिलनी चाहिए वो आपको मिलती नहीं इन टर्म्स ऑफ स्मॉल लीग फैंटेसी वैल्यू। मैचअप्स की बात की जाए तो जैसे मैंने कहा, एक मैचअप है जो आपको लग रहा होगा राशिद के फेवर में, बट नहीं है। ऑनरिक क्लासन ने मारे इनको 61 ऑफ 31, एक बार ही आउट किया है, एंड 196 का स्ट्राइक रेट। शुभमन गिल वर्सेस भूवी, 3 बार आउट हुए शुभमन भूवी को, एंड सिर्फ 106 का स्ट्राइक रेट। वाइल मयंक अग्रवाल आउट हुए उमेश को 2 बार, सिर्फ 97 का स्ट्राइक रेट। एंड एडन माक्रम भी थोड़े स्लो जाते हैं जब राशिद आते हैं, 20 ऑफ 30 एंड 1 डिसमिसल। तो कुछ इंपॉर्टेंट बैटर के नाम देख रहे हो आप यहाँ पे, तो बिल्कुल इस बात को नोट करके रखिएगा। अब बनाते हैं हमारी आज की टीम। So we start with the keeping section here. Henrik Klassen, definitely a straightforward pick. पहले हम लेंगे जो भी lock picks हैं हमारे, and फिर आएंगे towards filling the blanks. Travis Head, Shubman Gill, दोनों बहुत ही important players. Shubman Gill आपके लिए grand league risk बन सकते हैं, and Sai Sudarshan, जिस तरीके से खेलते हैं आप उन पर रिस्क नहीं लेना चाहोगे। ऑलराउंडर से एडन माक्रम, अजमतुल्ला उमरजाई, ये दोनों होंगे आपके लिए लॉक पिक्स। बाकी अगर वॉशिंगटन सुंदर खेलते हैं तो डेफिनेटली आप इन्हें भी कंसिडर कर सकते हो। बॉलिंग की बात की जाए तो पैट कमिंस, राशिद खान, मोहित शर्मा बिकॉज ऑफ हिज अमेजिंग नंबर्स या एंड टी नटराजन इफ ही इज बोलिंग फर्स्ट विल बी माय लॉक पिक्स। तो अभी के लिए ये है 9 प्लेयर्स जो डेफिनेटली मेरी टीम में रहेंगे। अब आप इन्हें रोटेट कैसे कर सकते हो बेस्ड ऑन योर स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, जो भी आप लीग खेल रहे हो वो हिसाब से। तो मार्को यानसन इफ ही इज प्लेइंग आप टीम में ले सकते हो। बैटिंग सेक्शन में से मयंक अग्रवाल इफ ही बैट्स फर्स्ट, एंड क्योंकि अभी ये डे गेम है मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि उमेश को इतनी कुछ खास मूवमेंट मिले, एंड कोई इतना ऑपोजिशन नहीं, अजमत को भी इतनी कुछ खास मूवमेंट नहीं मिलेगी, तो आई थिंक आप बैक कर सकते हैं इन अ फ्यू लीग्स। एंड मेरे हिसाब से इफ SRH बैट सेकंड, फिर आप जा सकते हैं विद डेविड मिलर। तो वन बिटवीन दीज टू विल बी अ रियली गुड चॉइस। अभी के लिए मैं यहाँ पे मयंक को रख रहा हूँ, बट इफ जीटी बैट फर्स्ट तो मैं वही स्लॉट में डेविड मिलर को पैक करूंगा। वाइल इफ SRH बोल फर्स्ट आई विल गो विद नटराजन, वाइल इफ जीटी बोल फर्स्ट मैं फिर उसी स्लॉट में जाऊंगा विद स्पेंसर जॉनसन। कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी की बात की जाए तो बेस्ड ऑन नंबर्स एंड बेस्ड ऑन ऑपोजिशन प्लस कीपिंग वैल्यू, यू कैन नॉट लुक टू मच एट ऑफ ऑनरिक क्लासन, बहुत ज्यादा आपको वैल्यू दे रहे हैं एंड आप उन पर चांस नहीं लेना चाहोगे। राशिद खान एक अच्छी पिक है, बट जो मैचअप्स हैं वो एक कंसर्न पॉइंट है। एंड अजमतुल्ला उमरजाई इन द डे गेम कितना इफेक्टिव रहेंगे विद द बॉल, दैट विल बी अ की क्वेश्चन। तो मैं अभी के लिए राशिद खान को यहाँ पे बैक कर रहा हूँ, क्योंकि वाइल क्लासिन के सामने मैचअप इनका अच्छा नहीं है, दूसरे बैटर्स के सामने इन्होंने काफी अच्छा किया है। तो अगर क्लासिन को किसी तरीके से ढूंढ पाए टू टेक हिम आउट, तो फिर इनके लिए एक अच्छा गेम हो सकता है विद बैट एंड बॉल। मे बी सीवीसी उस केस में मैं रिवर्स भी कर जाऊं, क्योंकि थोड़ी सी सेफ्टी आपको मिल जाती है विद द बॉलर दैट यू डोंट गेट विद द बैट, एंड हमें पता है कि राशिद खान भी एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। तो ये रहा हमारी आज की पेस टीम। ग्रैंड लीग ऑप्शन की बात की जाए तो लो सिलेक्ट डार्क हॉर्स पिक डेविड मिलर एंड मयंक अग्रवाल, दोनों मेरे हिसाब से फेस बेस्ड। हाई सिलेक्ट ड्रॉपर्स बॉम्ब शुभमन गिल मैचअप बेस्ड, एंड अभिषेक शर्मा बेस्ड ऑन सामने जो बोलर्स हैं उनको थोड़ी सी तकलीफें हो सकती है इन फ्रंट ऑफ स्पेंसर एंड राशिद खान। उसके अलावा ग्रैंड लीग कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी चॉइसेस, बोलिंग सेकंड बैटिंग फर्स्ट राशिद एंड गिल, बैटिंग सेकंड बोलिंग फर्स्ट मोहित शर्मा, एंड दोनों सिचुएशंस में क्लासिन एंड अजमत अच्छी चॉइसेस यहां पे बन सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का प्रीव्यू, आई होप आप सभी को मजा आया हो। एंड आप सभी मुझे पूछ रहे थे कि आप ग्रैंड लीग ऑप्शंस देते हो बट इन्हें
तो यही ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं इन द सीरीज लीडर बोर्ड। एंड सीरीज लीडर बोर्ड में आप आसानी से मल्टीपल टीम्स बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 47 का जो लीडर बोर्ड है उसमें आप पार्टिसिपेट करिए, सिर्फ 75,000 स्पॉट्स, तो कंपटीशन काफी कम। एंड अब ये छोटा हो गया थोड़ा और, यहाँ पे आप देख सकते हैं 60,000 स्पॉट्स की लीग है एंड 49 में थार भी है। तो गुड कॉन्टेस्ट यहाँ पे टू पार्टिसिपेट विथ मल्टीपल टीम्स, क्योंकि ऑफकोर्स लीग थोड़ी सी रिस्क, इट्स इम्पोर्टेंट कि आप मल्टीपल टीम्स बना के अपना जो रिस्क है डिवाइड कर पाए इनटू मल्टीपल साइड। रिमेम्बर टू ज्वाइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिप्टो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम। फाइनल टीम्स अपडेट सब कुछ आपको वही मिल जाएंगी। एंड लाइक ऑलवेज रिमेम्बर टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन।